हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिलेबन ट्यूटोरियल में। आज हम सिलेबन ट्यूटोरियल में सीखेंगे लटकन डिज़ाइन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लटकन इस तरह से बना रखे हैं एक पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से लटकन बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है कट करके, इसे जिस तरह से हम कटिंग करते हैं अम्ब्रेला सूट या फिर मास्क की कटिंग करते हैं, उस तरह से। देखिए, मैं यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और इसको हम माप लेंगे। जैसे आपको 3 इंच रखना है, 4 इंच, उस हिसाब से रख सकते हैं। इधर 3 है तो आपको दूसरे साइड भी 3 इंच ही लेना है। और इसे इस तरह से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई में मिलाकर इसको निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर निशान नहीं लगा रही हूँ, आप लगा सकते हैं। और साइड से भी इसको हम अलग कर देंगे यहाँ पर। और बस अब ये हमारे 2 पैट तैयार हो चुके हैं, 2 पैट इधर, 2 पैट इधर। हमने क्या करना है, वो हमने अस्तर लिया हुआ था, ये मेन फैब्रिक है, तो अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर देंगे। हमने अस्तर पहले से कट करके रखा था और ये मैं मेन फैब्रिक ली हूँ, दोनों को ज्वाइंट करके मैंने सीधा कर दिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लेस लगा दूंगी। लेस आपको जो पसंद है वैसे लगा सकते हैं। और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे लेस इसके ऊपर। लेस आपने ध्यान से इसको ज्वाइंट करना है, नीचे की तरफ ज़्यादा ना झूल जाए, इसलिए कपड़े के ऊपर ज़्यादा कोशिश करें कि लेस रहे। और इस तरह से इसका लुक भी अच्छा आता है, थोड़ा सा कपड़ा नीचे दिखाई देता है तो और अच्छा लगता है। दूसरे साइड में भी हमने इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है, इसको पलट लेना है। देखिए, इस तरह से ज्वाइंट कर लिया था अस्तर और एक मेन फैब्रिक को। आप चाहें तो दोनों मेन फैब्रिक ही ले सकते हैं। अस्तर मैंने इस तरह से लगाया ताकि इसकी लुक थोड़ी और अच्छी आती है और हैवी बन जाता है, इसीलिए दोनों में हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट कर लिया हमने दोनों में। और अब क्या करना है, हमने इसको लटकन में लगाना है, यानी कि डोरी में इसको फिट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर फिट कर लेना है, सबसे फर्स्ट किनारे पर जो नीचे की तरफ लटकता होता है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ रखेंगे। उसके बाद इस पर एक बार चाप सिलाई लगाएंगे, इस तरह से चाप सिलाई लगाकर फिर नीचे की तरफ लाएंगे। दूसरा, हमने थोड़ी दूरी पर इसको अटैच कर देना है। पहला तो लगा लिया हमने, दूसरे के लिए हम इसी तरह से इसको धागा कट करके निकाल लेंगे और उसके बाद इसको पहले सीधा कर देंगे हम। देखिए, इस तरह से लुक आ रहा है इसका। दूसरे के लिए हमने इसको थोड़ी दूरी पर हल्का सा पहले अस्तर को कट करके निकाल दें, जो एक्स्ट्रा अस्तर यहाँ पर है, दिख रहा है, तो इसे यहाँ रखेंगे और 3 उंगल नाप कर इसको मोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई कर देंगे। दोनों मैंने इसमें डसल्स जो है ऐड कर लिया है। देखिए, बहुत ही अच्छी लुक आती है। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच कि आप ऐसे वीडियो वॉच कर रहे हैं।